सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कुर्बानी से अफजल कोई इबादत नहीं, कुर्बानी से अफजल कोई इबादत नहीं है। खुद पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन तीन दिनों में इंतहाई एहतमाम से कुर्बानी फरमाया करते थे। हाँ, अल्लाह ने और वसाइल दी हैं, और नेकियों के कामों में खर्च कीजिए और खैर के कामों में खर्च कीजिए, लेकिन इबादत के बदले में दूसरी ये समझ लेना कि इसके बदले में दूसरी इबादत करने से सवाब ज्यादा है या इससे ये इबादत अदा हो जाएगी कि कोई आदमी कहे मियाँ रोजा रखने से चूंकि काम काज में हर्ज होता है रोजा नहीं रखते गरीबों की खिदमत कर लेंगे, मियाँ नमाज पढ़ने से वक्त का हर्ज होता है नमाज नहीं पढ़ते मिस्कीनों की खिदमत कर लिया करेंगे। ज़ाहिर है एक इबादत के बदले में दूसरी इबादत नहीं बदला हुआ करती है। और फिर ये कुर्बानी की वक्त ऐसा होता है कि सारों को दूसरी बहुत सारी खिदमत की शक्लें नजर आती हैं, लहू लहाब में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, अरबों रुपए खर्च होते हैं, और फजूलियात और लगवियात में इतना बड़ा बजट सर्फ होता है, वहाँ किसी को ये समझ भी नहीं आती कि लगवियात से अच्छा है कौम की तामीर में लगा लिया जाए, कौम के जिसे कहें कि सेहत पे लगा लिया जाए, कौम की तालीम पे लगा दिया जाए। कहीं से ये आवाज नहीं कानों में पड़ती, नहीं कोई लिखने वाला लिखता, लेकिन ये कुर्बानी का वक्त आता है तो सबको इस किस्म की कहानियां याद आने लगती हैं। तो ये इबादत है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी बड़ी फजीलत बताई है। और फिर खास तौर पे जब कुर्बानी हर साल की बात है, जब कुर्बानी का वक्त आता है तो कहते मियां जानवरों के साथ कसरत से इख्तलात करने से ये बीमारी लग जाती है, कसरत से जानवर घर में लाने से और उनके साथ इख्तलात से ये मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां। तो कभी आपने नहीं सुना होगा कि कुत्तों के साथ भी कसरत से रहने से कोई बीमारियां आती है, वो कोई नहीं कहेगा, लेकिन जहां कुर्बानी का जानवर आता है इन्हें ख्याल आता है कि जानवरों के साथ रहने से और कसरत से इख्तलात से। और कभी आवाज नहीं आई होगी कि घर में कुत्ता रखा है, गलियों में कुत्ता रखा है, सड़क में कुत्ता लेके जा रहे हैं, साइकिल के साथ जिसके जा रहा है तो कुत्ता लेके जा रहा है, इस कुत्ते के साथ कभी नहीं, क्योंकि वो मगरबी तहजीब है और मगरब के आका नाराज हो जाएंगे। और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चूंकि इबादत है, दीन इस्लाम का शायर है, और इसके खिलाफ आवाज उठाने से कुफर के आका खुश होंगे तो उनकी खुशी मतलूब है और उनकी नाराजगी से डर है, कभी उनके खिलाफ आवाज नहीं उठती। तो सच यह है कि मुसलमानों का तो ये ईमान है जितना बंदगी करके और इबादत के जरिए मुसलमान अपने अल्लाह को राजी करेगा इसी कदर अल्लाह की मदद और नुसरत इसके साथ होगी। और माजी के अंदर भी मुसलमानों की सरबुलंदी की सबसे बड़ी वजह और मुसलमानों के गलबे की सबसे बड़ी वजह और सारी दुनिया के अंदर मुसलमानों का जो डंका बजा है उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि मुसलमान अपने दीन से एक इंच भी दस्तबरदार होने के लिए तैयार नहीं, मुसलमान अपनी ईमानी और दीनी जिंदगी से एक इंच भी दस्तबरदार होने के लिए तैयार नहीं थे। और उमर फरमाया करते थे रजी अल्लाह तआला अन्हु, अअज्जनल्लाहु बिल इस्लाम, हम आज जो कुछ भी हैं ये सिर्फ इस्लाम के बदौलत है। अअज्जनल्लाहु बिल इस्लाम, आज जो हम इज्जत के और गलबे की बुलंदियों पर पहुंचे हुए हैं इसके पीछे क्या चीज है? अअज्जनल्लाहु बिल इस्लाम, ईमानी इस्लामी जिंदगी है। और फरमाया करते थे मैं ये बहस दून हूं अदल्लाहुल्लाह, और जो इसे छोड़ेगा अल्लाह उसे जलील और रुसवा कर देगा। तो अल्लाह की बंदगी की जो शक्ल है, चाहे वो कुर्बानी की है और चाहे वो हज की है और चाहे वो नमाज की है और चाहे वो रोजे की है, चाहे वो जकात की है, चाहे दीगर फराइज और वाजिबात हैं, हर एक की अपनी बरकतें हैं, अपना नूर है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर इबादत में अपनी खैरें रखी हैं और इन बंदगियों से बंदगी करने से ही अल्लाह का कुर्ब और अल्लाह की तरफ से मदद और नुसरत आया करती है।